अगर आप एक पीसी स्ट्रीमर हैं और ओबीएस स्टूडियो का यूज़ करके स्ट्रीम करते हैं और आपके सेटअप में एक अच्छा वेबकैम अगर मिसिंग है, तो इस वीडियो में हम लोग आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन का यूज़ कर सकते हैं एज ए वेबकैम अगर आप पीसी से ओबीएस स्टूडियो का यूज़ करके स्ट्रीम करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ज़बरदस्त, जिंदाबाद, हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हिल गेमिंग। और किसी भी एक लाइव स्ट्रीम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है उसका क्वालिटी कंटेंट, और इसके ठीक बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो ये कि कोई भी लाइव स्ट्रीमर जो है वो अपनी ऑडियंस से कम्युनिकेट कैसे कर रहा है। और कम्युनिकेट करने के दो अलग अलग मोड्स होते हैं। एक तो अच्छा माइक चाहिए उसके लिए जिससे आपका ऑडियो क्लियरली वहाँ तक पहुँचे, और दूसरे एक अच्छा वेब कैम होना चाहिए। तो अगर ऐसा है कि हम लोग OBS स्टूडियो का यूज़ करके स्ट्रीम कर रहे हैं और हमारे पास एक वेबकैम नहीं है, तो जल्दी से देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने स्मार्टफोन को सेटअप कर सकते हैं एज ए वेबकैम। इस सेटअप में खास बात ये होने वाली है कि जिस स्मार्टफोन को एज ए वेबकैम हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग USB केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे अपने स्ट्रीमिंग PC से, और इससे हम लोगों को फ़ायदा ये मिलेगा कि हम लोगों को जीरो लेटेंसी के साथ हमारी वीडियो मिलेगी। जैसे ही कैमरा कैप्चर करेगा वैसे ही वो हमारे OBS स्टूडियो में रिफ्लेक्ट हो जाएगा बिना किसी टाइम डिले के। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को एक ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, IVCAM। IVCAM हम लोग सर्च करेंगे गूगल पे और अपने स्ट्रीमिंग PC पे उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, और यही जो ऐप है इसको हम लोगों को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है अपने स्मार्टफोन पे। हम लोग प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में सर्च करेंगे IVCAM और उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। ओके भाई लोग, तो सर्च करते हैं IVCAM, और जैसे ही पेज ओपन होगा सबसे ऊपर जो e2esoft.com करके वेबसाइट है यही ऑफिशियल वेबसाइट है, क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड करेंगे ये सॉफ्टवेयर विंडोज़ के लिए। तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ क्लिक करते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं होगा, साइज़ छोटा सा होगा, 18 MB का सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड हो गया है। इसको क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं जल्दी से भी, और मेरे ख्याल से जैसे टिपिकल कोई भी सॉफ्टवेयर का सेटअप होता है वैसे हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं जल्दी से। मैं फ़िलहाल ये विंडो मिनिमाइज़ कर देता हूँ। इंग्लिश नेक्स्ट वही जो सिंपल स्टार्टअप में हम लोग इसको रन नहीं करेंगे, और इंस्टॉल। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है, उधर हम लोग अपने स्मार्टफोन पे इंस्टॉल करते हैं डाउनलोड करके IVCAM को। तो IVCAM हम लोगों ने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है अपने स्ट्रीमिंग PC पे और अपने स्मार्टफोन पे भी, और हम लोगों ने अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट किया है वाया USB केबल टू आर स्ट्रीमिंग PC। अब हम लोग एक एक करके IVCAM पहले ओपन करेंगे अपने डेस्कटॉप पे और साथ ही साथ उसको ओपन करेंगे अपने स्मार्टफोन पे। मेरे ख्याल से दोनों एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर लेंगे। और ओके, सो एज सिंपल एज दैट, आप देख रहे हैं कि IVCAM नाम से विंडो जो है उसमें बिना किसी लैग के एक वीडियो आ रहा है, और ये जो आउटपुट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये स्मार्टफोन से है जो एज ए वेबकैम काम कर रहा है। आप देखेंगे डिले बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोई लेटेंसी नहीं है। अब इस विंडो को हम लोग ऐड करते हैं अपने OBS में और देखते हैं कैसे इसे वेबकैम के तौर पे हम लोग काम में ले सकते हैं। खोलते हैं अपना OBS, और OBS में किसी भी सीन में जाके हम लोग ऐड करेंगे सोर्स, और वो सोर्स होगा कोई भी वीडियो कैप्चर डिवाइस। तो ऐड करते हैं यहाँ पे वीडियो कैप्चर डिवाइस, आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो चाहें, फ़िलहाल मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ इसको। और जो नेक्स्ट बॉक्स खुलता है उस बॉक्स में से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, एक ऑप्शन आएगा e2esoft IVCAM, ये आ रहा है e2esoft IVCAM, क्लिक करके इसको ओके करते हैं। और अब आप देखिए कि विंडो अपीयर हो रही है एज ए वेबकैम। छोटी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको टॉप में दिखाई दे रहा होगा कि IVCAM का एक लोगो है, तो जल्दी से क्रॉप कर देते हैं उसको, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है। तो इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं दोनों तरफ से, और अभी हम लोग इसको परफेक्ट वेबकैम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये सेटअप कैसा है, जस्ट बिकॉज कि आपको देखने से ज़्यादा पता लगेगा कि कैसे ऑल दिस थिंग इज़ वर्किंग आउट। एक सेकंड दीजिएगा मेरे को, और ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा अभी। तो ये एक सेटअप है जो आप देख पा रहे हैं ऊपर टॉप में, ये मैं अपने वेबकैम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको दिखाई दे रहा है कि जो डिस्प्ले है वो मेरे फ़ोन पे भी है और साथ साथ हमारे स्ट्रीमिंग PC पे भी है। और तो आप ये देखेंगे कि वेबकैम की तरह जो काम कर रहा है वो जो IVCAM है हमारा वही काम कर रहा है। तो ये सेटअप है, आप ये देख रहे हैं कि हमारा फ़ोन है उससे USB के थ्रू कनेक्टेड है हमारा PC,
और यहाँ से फ़ोन चार्ज भी हो रहा है और एज ए वेब कैम बिना लेटेंसी के हम लोगों को प्रॉपर एक रिजल्ट भी दे रहा है। तो भाई लोग इतने सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से आप लोग अपने स्मार्टफोन को एज ए वेब कैम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस सेटअप में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है सेटअप से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करिए, पूछिए हमसे, हम लोग कोशिश करेंगे उसको रिस्पॉन्ड करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और वो घंटे वाला बटन आपको ज़रूर दबाना है क्योंकि आपको पता है कि सारा चमत्कार उसी से होता है। जब भी एक नई वीडियो आती है वो घंटा बजता है और आपको पता लगता है कि एक नई वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।